हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। सर, 73वां स्वतंत्रता दिवस है, क्या आपका संदेश है? स्वतंत्रता दिवस पर देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये आज़ादी का ये पर्व हमारे अमर शहीदों, गुमनाम वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का पर्व है। हम सब देशवासी मिलकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र रक्षा के अत्यंत पुनीत कार्य में जुटे, ये हमें संकल्प याद दिलाता है। आज़ादी की 75वीं वर्ष घाट आने वाली है। इस समय हम सब देशवासी नए भारत का संकल्प लेकर इस काम में जुटें और सबका सहयोग नए भारत के निर्माण में रहे, मेरी अपेक्षा सभी देशवासियों से है। सर, आप लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण भी सुन रहे थे, तो कई खास बातें उन्होंने कही, समाज के हर वर्ग को और जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश की, ऐतिहासिक भाषण। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 130 करोड़ जनता का आवाज़ किया, सामाजिक परिवर्तन की ओर भी। किसान, नौजवान, उद्योग, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसके समाज जीवन में परिवर्तन की दिशा आज नहीं दी हो। और जब नए भारत का निर्माण करना है तो सरकार नहीं, सबके सहयोग से हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए 130 करोड़ जनता का समग्र योगदान इस देश के लिए रहे, ऐसा आज कई विषयों को लेकर मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया है। हमें आशा है कि हम आने वाले समय में नए भारत के निर्माण में हमारी भी भूमिका रहेगी और संपूर्ण देश की 130 करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश को नई दिशा देने में सहयोग करेगी। सर, सबसे अहम बात उन्होंने कही कि प्लास्टिक खत्म किया जाना चाहिए। 2 अक्टूबर के तारीख से एक नया मिशन जो है वो लॉन्च किया उन्होंने, जो पहले कहा था 5 साल पहले कि स्वच्छता का अभियान, वो एक मिशन बन गया, तो उसी तरीके से लगता है आज एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। सर, उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया, आज प्लास्टिक खत्म करने को संदेश दिया, आज जल संचय, जल संग्रह, जल का उपयोग, उसकी भूमिका बताई। किसानों को हमारी भारत माता की मिट्टी को किस तरीके से हम फर्टिलाइजर मुक्त करते हैं, इस दिशा की ओर बढ़ाया। ऐसे कई विषयों पर देश की जनता का आह्वान किया। उन्होंने देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए, जहाँ पर समाज के अंदर हम जनसंख्या को रोकने के कारगर उपाय बनाए ताकि हमारा सामाजिक स्तर बढ़े, इस दिशा की ओर भी प्रधानमंत्री जी ने आज देश का आह्वान किया है। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के आह्वान और दिशा की ओर संपूर्ण देशवासी दल से ऊपर उठकर देश के नवनिर्माण की ओर काम करें। ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो 73वें स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बात रख रहे थे। कैमरामैन सरोज के साथ रविंद्र सिंह शुराण, राज्यसभा टीवी।